अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर ड्रेस के दुपट्टे में से शर्ट बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी डबल फोल्डिंग कर ली है। इस तरह से विंटर ड्रेसेस के एक्स्ट्रा दुपट्टों से हम बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बना सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह आप आसानी एक दुपट्टे में से बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाने का तरीका समझ पाएंगे। तो इसकी इस तरह से फोल्डिंग करते हुए मैं सबसे पहले अपनी शर्ट की लेंथ देख लूँगी। तो मेरी शर्ट की लेंथ है 35 इंच, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी साइजिंग करती हूँ। इस तरह 37 इंच पर मैं इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से स्केल की मदद से निशानात को सीधा कर लीजिए, तो बिगिनर्स के लिए इस तरह से बहुत इजी रहता है। इसके बाद मैं अपनी शर्ट की तीरे का निशान लगाऊंगी, जिसको शोल्डर भी आप कह सकते हैं। तो मेरा तीरा 13 इंच है, जिसका हाफ मैंने 7.5 लेना है। तो इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए इसी तरह नीचे भी मैं 7.5 लूंगी। तो फ्रेंड्स, शर्ट की कटिंग में मैं इससे पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहला मैंने 7.5 पे निशान लिया और उससे नेक्स्ट भी मैं 7.5 पर निशान लूँगी, जिसको आप वेस्ट का निशान कह सकते हैं। हम वेस्ट की फिटिंग का यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ हम चेस्ट की फिटिंग का मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाती हूँ। 7 इंच तीरा है तो 7.5 पर निशान लगाया। इस तरह से नीचे वाली लाइन के साथ इसका ब्लॉक बना लेती हूँ। इस ब्लॉक के अंदर मैं सर्कल शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से इसके अंदर सर्कल शेप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारी बैक साइड की कटिंग का निशान है। तो फ्रंट साइड की कटिंग के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे और इसके ऊपर नई लाइन लगा लेंगे। और इस तरह से इस नई लाइन के मुताबिक मैं दोबारा से सर्कल शेप ड्रॉ करूंगी, जो कि थोड़ा सा पिछली बैक साइड से डीप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के लिए जो हमने सेकंड मार्किंग करनी है, ये मैं अपनी फिटिंग के निशानात लगा रही हूँ। तो मैंने अपनी चेस्ट की फिटिंग का निशान अपने साइज के अकॉर्डिंग लगाया है। यहाँ पर मैं वेस्ट की फिटिंग का निशान लगाती हूँ। इसी तरह इन निशानात को आपस से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब जो हम शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, मैं उस सब फैब्रिक में डिज़ाइनिंग करूँगी। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखने वाला है कि जो मैंने शोल्डर की कटिंग करनी है, उसके अंदर वाली साइड पर मैं 5 इंच तक इंच स्टेप को अंदर की तरफ रखते हुए एक निशान लगाती हूँ और 5 इंच अंदर की तरफ तक मैं कैंची से कट कर लूँगी। अब जो मैंने निशानात लगाए हैं, उनके मुताबिक मैं अपने शोल्डर की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट नहीं करूंगी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ कट किया है, इसकी इस तरह से ऊपर से नीचे तक मैं प्लेट्स डाल लूंगी। इस तरह से अपने शोल्डर की कटिंग के मुताबिक इन प्लेट्स की सेटिंग करते हुए मैं कैंची से कट्स लगा लेती हूँ और इन कट्स के मुताबिक मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जो हम प्लेट्स की लेंथ रखेंगे, वो जो हमने वेस्ट का निशान लगाया है, तो इस निशान तक हम अपनी प्लेट्स ले लेंगे। इस तरह से ये निशान हमारी हेल्प करेगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग की थी, मैंने स्लीव की लेंथ ली है, जो कि 15 इंच आई है। और बाकी की लेंथ पूरी करने के लिए साइड से जो फैब्रिक उतरेगा, उसका मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। तो मैं अपने शोल्डर की चौड़ाई लेते हुए पीस की कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने 10.5 इंच पर ये निशान लगाया है।
ये मैं अपने शोल्डर की चौड़ाई ले रही हूँ। सबसे पहले हम चौड़ाई वाला पीस अलग कर लेते हैं। इसको सीधा करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे लगा कर हम लेंथ चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी शर्ट की लेंथ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। इस फैब्रिक को भी इस तरह से निशान लगा लीजिए। 5 इंच मेरे स्लीव्स की विथ है तो मैं 5 इंच पर निशान लगाती हूँ। 4.5 पर इसकी मैं स्टिचिंग लगाऊंगी और इस तरह से स्केल की मदद से इसको सीधा करते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। जो हमने जॉइंट के लिए पीस उतारा है इसको भी अलग अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से अब जो मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है तो मैं ऊपर से 3 इंच पर मार्किंग करूँगी और इस 3 इंच को शेप देते हुए मैं शोल्डर की कटिंग का निशान लगा लूँगी। अब जो फ्रंट शोल्डर है उसको मैं 1 इंच डीप कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग की डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से शर्ट की कटिंग करना सिखाई है। इस तरह से ये हमारे स्लीव्स की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम शर्ट की स्टिचिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्लेट्स डालने के लिए कैंची से कट्स लगाए थे उसको इंची स्टेप की मदद से मैं निशान लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3-3 इंच के गैप से ये तमाम निशानात मैंने लगाए हैं। अब इनकी लंबाई पर भी आप देख सकते हैं 7.5 इंच पर हमने जो पहले से मार्किंग की थी, जो कि हमारी चेस्ट की फिटिंग का निशान है, तो 7.5 इंच की लंबाई पर मैं ये प्लेट्स बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कैंची से कट लगाया था उसको हम इस तरह से लेवल करते हुए जो हमने नीचे 7.5 पर मार्किंग की थी वहाँ तक डबल स्टिच लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम आगे से नेक्स्ट प्लेट को भी इसी तरह से डालेंगे। इस तरह आप उसके साथ रख कर देख सकते हैं। तो इसका भी वही सेम प्रोसीजर होगा। इसी तरह से हम अपनी शर्ट में फ्रंट और बैक में इस तरह से प्लेट्स बना लेते हैं। तो ये मैं आपको इंची स्टेप से दोबारा बताती हूँ। तो ये 1 इंच चौड़ी सिलाई लगाई है मैंने। इस तरह से इसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह से बाकी की प्लेट्स भी डालकर मैं फ्रंट पार्ट की एक साइड को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह फोल्डिंग करने के बाद आप चेक कर लीजिए 1 इंच की चौड़ाई पर आपने प्लेट लेना है और जो हमने नीचे चेस्ट का निशान लगाया है वहाँ तक हम अपनी प्लेट को लेके जाएंगे जो हमने 7.5 इंच पर लगाया था। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि तमाम पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए जाएं। अगर फिर भी आपको इसमें समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने तमाम प्लेट्स कम्प्लीट कर ली हैं। आयरन से इनकी मैं साइड सीधी कर लूँगी और उनको एक साइड पर नीचे तक प्लेट्स को रुख देते हुए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं प्लेट्स मैंने उल्टी साइड पर डाली हैं, जो कि सीधी साइड पर नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से ये दूसरी साइड पर भी मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और दोनों हाथों से इन प्लेट्स को सीधा करते हुए आयरन कर लीजिए। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया है तो जहाँ पर मैंने ये प्लेट्स डाली हैं इस पीस को आपस में ज्वाइन करने के लिए इनको सीधा सेट करके इसके नीचे मैं उल्टी साइड पे बुकरम का पीस रखती हूँ। आयरन की मदद से इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को आयरन की मदद से फिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई मशीन से एक रफ सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने जो लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है तो उसकी सेटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मैं लेस को इसके ऊपर एडजस्ट करूँगी और ब्लैक फैब्रिक की चुनर्स बनाकर लेस के साथ एडजस्ट करूँगी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को 4 लेयर्स में तय लगा लिया है। तो इसको मैं 3 इंच की चौड़ाई पर मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से 3 इंच चौड़ी मैं लंबी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी। ये मैं 4 स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। मेरे पास जितनी लंबाई का बचा हुआ फैब्रिक है उसकी मैंने 3 और 4 स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं।
इनको मैं आपस में सिलाई मशीन की मदद से जॉइंट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये एक लंबी स्ट्रिप्स बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी डबल फोल्डिंग कर लूंगी और डबल फोल्डिंग करने के बाद इसमें मैं चुनट्स बना लेती हूँ। इस तरह से उंगली की मदद से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आगे की तरफ उठाते हुए मैं इस सारी स्ट्रिप में चुनट्स बना लूंगी। आप कैंची की नोक की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से चुनट्स को बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए सुई को फैब्रिक के अंदर छोड़ते हुए चुनट्स बना लीजिए। अब मैं फैब्रिक की लेंथ पर निशान लगाऊंगी। तो साइजिंग करने के बाद इस तरह से सबसे पहले मैंने जो चुनट्स वाली फ्रिल बनाई है उसको नीचे रखूंगी और उसके ऊपर लेस को रख के अटैच करूंगी। तो आपकी आसानी के लिए सबसे पहले मैं फ्रिल को अटैच करूंगी और उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं लेस को अटैच करूंगी। उसकी लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम यही स्टाइल रेडी कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रिल को अटैच करती हूँ। मैंने 8 इंच की लंबाई पर मार्किंग की थी तो उसके मुताबिक ही मैं अटैच कर रही हूँ। अब सेकंड स्टेप में मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से लेस को फैब्रिक के किनारे पर रखते हुए उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इसके अंदर छुपाते हुए मैंने स्टिच कर ली है। कॉर्नर को सबसे पहले मैं इसी तरह से सीधा स्टिच लगाऊंगी, उसके बाद इस तरह से इसको कॉर्नर शेप दे दूंगी। इस तरह से मैंने ये लेस अटैच कर ली है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है दूसरे किनारे की तरफ भी मैं किनारे पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके कॉर्नर पर इस तरह से सिलाई लेते हुए इसको भी पक्का कर लीजिए। इस तरह से मैंने ये एक साइड रेडी कर ली है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से मैंने दूसरी साइड भी रेडी की है। अब इसको डबल फोल्डिंग करके मैं इसकी नेक लाइन बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने बुकरम पर 6 इंच पर निशान लगाया है। मुझे छोटा नेक बनाना है तो इसलिए मैं 6 इंच पर बनाऊंगी। 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा नेक लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप नेक लाइन की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर मैंने बहुत डिटेल से किसी भी डिज़ाइन में नेकलाइन को कट करने का तरीका बताया है। इस तरह से मैं अपने नेकलाइन को ब्लैक फैब्रिक पर अटैच कर लेती हूँ। तो इसको आयरन कर लीजिए और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। आप अपनी आसानी के लिए इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक पर स्टिचिंग लगा सकते हैं। इसका सेंटर बना लीजिए और इसी तरह शर्ट को भी सेंटर दे दीजिए। इन सेंटर्स को आपस में मिलाते हुए सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला टेढ़ा नहीं होता और बहुत खूबसूरती से नीटली बनता है। तो सबसे पहले मैंने सेंटर में स्टिच लिया है। इस स्टिच को यहाँ ख़त्म करते हुए मैं नेकलाइन को लेफ़्ट टू राइट स्टिच लगाते हुए ले जाऊँगी। तो इस तरह मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक पर सिलाई लेते हुए नेकलाइन की सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए और कॉर्नर में कैंची से कट लगा लीजिए। तमाम कर्व वाली जगह पर भी कट्स लगा लीजिए, इससे गले की शेप अच्छी बनती है, चुनट्स नहीं आती। तो इस तरह से मैं इसको आयरन करने के बाद इसके किनारे पर सिलाई ले लूँगी। इस तरह से बिल्कुल किनारे के साथ साथ बारीक सिलाई ले लीजिए। तो ये हमारी नेकलाइन बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत स्टाइल बनकर रेडी हो गया है।
अब मैं इसकी बैक पार्ट के साथ इसके तीरे को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो शर्ट के फ्रंट और बैक को आपस में मिलाते हुए तीरे को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद मैं इसके बैक की कटिंग करूँगी। तो जब इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करने के बाद बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो ये गला एक साइड पर गिरता नहीं है। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गला एक साइड पर गिर जाता है, तो इस तरह से गला बिल्कुल सीधा रहता है। फिटिंग की सिलाई भी लगा लीजिए। तो इस तरह से इस शर्ट की मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, तो इसकी बहुत खूबसूरत शेप बनकर आई है। अब इसके बैक नेक लाइन की मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसको डबल फोल्डिंग करते हुए इस तरह से मैंने बैक नेक लाइन की कटिंग की है। एक रेबदार फैब्रिक लीजिए और इसको नेक लाइन की बैक साइड पर अटैच कर लीजिए इस तरह से किनारे को फोल्ड करते हुए। बैक नेक लाइन के साथ जब रेबदार फैब्रिक लगाया जाता है तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरह से सिलाई खत्म करते हुए भी किनारे को डबल फोल्ड कर लीजिए। तो ये इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए एक ब्लैक फैब्रिक के ऊपर रफ सिलाई ले लीजिए। इसका फायदा ये होता है कि जब हम नेक लाइन की तुरपाई करते हैं या इसके ऊपर फाइनल स्टिच लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली राउंड शेप में मूव हो जाता है। इस तरह से इसकी ऑटोमेटिकली शेप बन जाती है। तो मैं अब इस पर तुरपाई नहीं करूँगी। इस तरह से सिलाई मशीन की मदद से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये आपकी अपनी विश है, आप इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मैं बैक नेक लाइन रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम इसके स्लीव रेडी कर लेते हैं। तो आपने देखा था कि स्लीव में सेंटर में एक जॉइंट लगाना पड़ना है, तो मैं स्लीव में जो जॉइंट वाली जगह है वहां पर स्टिच लगा लिया है। अब इसके नीचे जो हमने फैब्रिक लिया था तो हम उसके दरमियान में उसी तरह से ब्लैक फ्रिल को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये जॉइंट बुरा भी नहीं लगता और इसका एक स्टाइल बन जाता है। तो इस तरह से मैं ब्लैक फ्रिल को दरमियान में रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से स्लीव का जो पार्ट ज्वाइन करना है वो रख लूँगी। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की लेंथ भी पूरी हो जाएगी और ये डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से दोनों स्लीव्स में मैं फ्रिल लगाते हुए जॉइंट लगा लूंगी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरती से बहुत बारीक और प्यारी फ्रिल बनकर रेडी हुई है। इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से किनारे पर सिलाई लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब इसका फाइनल टच रहता है। तो फाइनल के लिए जो हैंडकफ पर हमने पाइपिंग करनी है, ब्लैक फैब्रिक को उल्टी साइड पर रखते हुए मैं स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरह से इसकी इनविजिबल स्टिच लगती है, नज़र नहीं आती। जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है और एक्स्ट्रा धागे हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। और अब सीधी साइड पर इसकी फोल्डिंग करते हुए इसके किनारे पर बारीक सिलाई ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये बहुत नीट स्लीव तैयार होता है। आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड पर भी कोई धागा नहीं। इस तरह से मैं दोनों स्लीव रेडी कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जॉइंट भी फील नहीं होता और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने स्लीव रेडी कर लिया है तो मैं अपने शोल्डर के साथ इसकी साइजिंग करते हुए कैंची से कट लगा लेती हूँ। अपने हैंडकफ का साइज लेते हुए स्केल की मदद से साइजिंग कर लीजिए। इसी तरह से दोनों स्लीव की साइजिंग करके इसको स्टिच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश थी कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये
तमाम डिज़ाइन समझा सकूं। उम्मीद है आपको इसकी टोटली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर कुछ मिसिंग महसूस होता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से इसके नीचे सेंटर से इस फैब्रिक को इस तरह कोन की शक्ल में फोल्ड करते हुए मैं शर्ट के साथ ज्वाइन करूँगी। इसकी कोन शेप में फोल्डिंग इसलिए की जाती है कि जब हम बाजू शर्ट पहनने के बाद ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमारी शर्ट ऊपर की तरफ नहीं उठती। इस तरह से स्लीव्स को मैं राउंड शेप में स्टिच लगा लूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा न्यू चैनल है, इसमें आप सब की काइंड कमेंट्स के लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत विंटर ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।